नमस्कार, मैं शालिनी अपने एक अनुभव आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आप सबको एक बहुत ही प्यारा सा बात बतलाने वाली हूँ। हम औरतें गर्भ धारण करते हैं, तो जब हम गर्भ धारण करते हैं, बिल्कुल मैं अपने अनुभव से बतला रही हूँ कि जब हम गर्भ धारण करते हैं तो हम सबको बहुत परेशानी आती है। 4 महीना 5 महीना सभी को परेशानी आती है, और उस वक्त लगता है कि कोई हमें सपोर्ट करता, पारिवारिक सपोर्ट मिलता, मिले ना मिले, किन्हीं को मिलता है किन्हीं को नहीं मिलता है, वो अपनी परिस्थिति होती है वैसी। तो मिले ना मिले, आप एक काम ज़रूर करना, आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए आप सिर्फ वही विचार करना जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। हमेशा अच्छा विचार करना, क्योंकि बुरे विचार आपको ही परेशान करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे विचार करना, कैसे चाहते हो अपने बच्चे को बनाना, वो बच्चा खुश मिजाज होना चाहिए, ज़िंदगी भर सुखी होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, क्या बनना है उसको आगे जाके, सब कुछ आप अपने बच्चे के साथ मन ही मन बात कर सकते हो। आप जो चीज़ बात करते हो अपने बच्चे के साथ, गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ, वो सब उसके खून में जाता है, वो सब वो एब्जॉर्ब करता चला जाता है, और वो बच्चा बिल्कुल वैसा ही निकल कर आता है, वैसा ही संस्कारी होगा जो आपने उसके वो गर्भ में पलते समय संस्कार दिया है। ये बात मैं आप सबको अपने अनुभव से बतला रही हूँ। हम सभी जानते हैं, महाभारत में हम लोगों ने पढ़ा है कि कृष्णा की जो बहन है सुभद्रा, वो अर्जुन के साथ बात कर रही थी जब उनके पेट में अभिमन्यु पल रहे थे। उन्होंने, वो दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रही थी, उसी वार्तालाप के प्रसंग में अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका बतला रहे थे। जब चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका बतला रहे थे, सुभद्रा सुन रही थी, और अचानक से उन्हें नींद आ गई और चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता उन्होंने नहीं सुना। उनके सो जाने के कारण अभिमन्यु ने भी नहीं सुना, और हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस कर रह गए थे। तो दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल वास्तविकता है। आप जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो सुनते हैं, वो सब बच्चे को जाता है, और बच्चा वो सब एब्जॉर्ब करता चला जाता है, और वैसा ही संस्कार लेकर के वो निकलता है। तो मैं आज आप सबको यही बतलाना चाहती हूँ कि जब हम गर्भ धारण करते हैं उस वक्त हम अपने बच्चे के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे विचार लाएंगे। हम वही विचार लाएंगे हम जैसा अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, जो संस्कार देना चाहते हैं, जिस जितना संस्कारी हम उसे, जैसा संस्कारी हम उसे देखना चाहते हैं, वही हम सोचेंगे, वही हम उसके साथ बात करेंगे। आप देखिए, मैंने तो अपने अनुभव आपको शेयर किए हैं, आप देखेंगे कि वैसा ही बच्चा आता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो 6 महीने तक अपनी माँ के ही दूध पर रहता है। जब आप स्तनपान करवाते हैं उस वक्त बिल्कुल शांत जगह पर चले जाएं और बिल्कुल ध्यान से स्तनपान कराएं, और उस वक्त बहुत ही अच्छे अच्छे विचार लाएं। आप जो सोच कर उसे खिलाते हैं वही वो करता है, वो उसके अंदर जाता है, और वो बच्चा वैसा ही होता है। तो आप कुछ ना सोचते हो तो कम से कम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि ओम का, ओम बोल करके स्तनपान कराएं। जितना देर करवाते हो ओम बोल सकते हैं, अच्छे चीज़ ही बच्चे में जाएंगे। ओमकार से बच्चे में बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन जाएगी, और वो बच्चा बहुत ही अच्छा, बहुत सुखी होता है। ये सब मैं अपने अनुभव के अनुसार कह रही हूँ। मैंने ये किया है और मैंने इसके परिणाम भी इतने ही सुंदर देखे हैं। करके देखो, मैं अनुभव से बतला रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करना, अपने अनुभवों को हमारे साथ ज़रूर शेयर करना।
धन्यवाद।